दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल, आपका आईक्यू टेक्निकल में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम कंपैरिजन करेंगे शाओमी के रेडमी नोट 7S की शाओमी के ही रेडमी नोट 8 से। आप कहोगे कि कंपैरिजन तो अलग कंपनीज़ के बीच होता है, लेकिन ये दोनों फ़ोन सेम रैम और स्टोरेज वेरिएंट में और सेम प्राइस में एमआई स्टोर और फ्लिपकार्ट की चल रही सेल में अवेलेबल हैं। रेडमी नोट 7S को लॉन्च हुए अरसा हो चुका है और रेडमी नोट 8 हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो चलो देखते हैं कि शाओमी ने क्या अपग्रेड किया है अपने रेडमी नोट 7S के सक्सेसर रेडमी नोट 8 में। रेडमी नोट 7S का बेस वेरिएंट 3 32 जो 8999 में अवेलेबल है और इसका हायर 464 वेरिएंट 9999 में मिल जाता है। और रेडमी नोट 8 का बेस वेरिएंट 464 से शुरू होता है, इसकी प्राइस है 9999 और इसके हायर वेरिएंट 6128 की प्राइस है 12999। हम कंपेयर करेंगे दोनों फ़ोन्स के 464 वेरिएंट का क्योंकि इनका प्राइस सेम है। पहले बात करते हैं रेडमी नोट 7S और रेडमी नोट 8 की सिमिलैरिटीज़ की। दोनों ही फ़ोन्स में 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है डॉट नॉच के साथ और इन दोनों के फ्रंट में दिया गया है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। रेडमी नोट 7S और रेडमी नोट 8 के फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बैटरी भी सेम 4000 mAh की दोनों फ़ोन्स में मिल जाती है और दोनों ही फ़ोन में टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों फ़ोन्स स्प्लैश प्रूफ भी हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों फ़ोन्स के बैक में दिया गया है। अब बात करते हैं इनमें क्या एक दूसरे से अलग है और रेडमी नोट 8 में हमें क्या अपग्रेड मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरा की। तो रेडमी नोट 7S में हमें देखने को मिला था डुअल कैमरा का सेटअप 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल और रेडमी नोट 8 में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। जो नेचर की ब्यूटी और सीन सीनरी को कैप्चर करने के शौकीन हैं उनके लिए ये फ़ोन स्पेशल हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों ही फ़ोन्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें रेडमी नोट 7S में 10 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और वहीं पर रेडमी नोट 8 में 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ आता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शाओमी ने इंडियन यूनिट में फास्ट चार्जर साथ ही दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में गुड क्वालिटी का ईयरफोन भी पैकेज में मिलेगा। रेडमी नोट 7S में हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिसमें 2 सिम या 1 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन रेडमी नोट 8 में डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिसमें 2 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड साथ में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन की जान प्रोसेसर की। रेडमी नोट 7S में स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिला था और रेडमी नोट 8 में स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो लेटेस्ट है और परफॉर्मेंस में 10% बेटर निकल कर आता है 660 से। दोनों ही फ़ोन में आपको गेमिंग और मल्टीटास्किंग में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। रेडमी नोट 7S 4 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, रेड, ब्लू और ब्लैक। और रेडमी नोट 8 3 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, ब्लू और ब्लैक। शाओमी ने इन्हें नाम दिया है मूनलाइट वाइट, नेपचिन ब्लू और स्पेस ब्लैक। अब आते हैं नतीजे पर। शाओमी ने वाकई में अपग्रेड किया अपने रेडमी नोट 8 को। जो रेडमी नोट 7S ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा फ़ोन है, आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन जो फ़ोन परचेज करने की सोच रहे हैं और रेडमी नोट 7S और रेडमी नोट 8 में कन्फ्यूज़ हैं तो वो रेडमी नोट 8 परचेज करें, ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है इस प्राइस में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।